हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ ज़ारा सिद्दीकी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। अल्लाह पाक आप सभी को अच्छा रखे, खुश रखे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मांस की दाल और गोश्त। एक्चुअली गाइस, ये रेसिपी मेरे अब्बा के गांव से है। तो मैं वहाँ गई थी शादी में, तो मैंने वहाँ पर यह खाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पर यह बना हुआ था रज्जे में, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये रेसिपी, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को बना कर दिखा रही हूँ। चलिए, ये अभी मैं ये मांस की दाल है इसको मैं धुल रही हूँ। ये मांस की दाल है, मैं इसकी धुलाई कर रही हूँ। अच्छे से साफ करके इसकी धुलाई करूँगी, फिर इसमें नमक डाल के इसको रख दूँगी गलने के लिए। जब ये अच्छे से गल जाएगी तब उसके बाद मैं गोश्त की तैयारी करूँगी। दाल मैंने साफ़ करके धुल ली है और मैंने इसे गैस पर रख दिया है, गैस पर। तो अब मैं इसमें नमक डालकर इसका लिड लगाकर 6-7 पीसेस लगाने के लिए रख दूँगी। गैस, मैंने लिड लगा दिया है। अब ये 6-7 पीसेस लग जाएंगे तब तक मैं गोश्त की तैयारी कर लेती हूँ। गैस, दाल एकदम टेंडर हो चुकी है हमारी। अब मैं इसको निकाल कर रख दूंगी, फिर इसी कुकर में गोश्त बनाना है। तो चलिए अब इसको निकाल कर रखते हैं। ये मैंने कुकर रख दिया है गैस पर, उसमें ऑयल डाल दिया है मैंने। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 3 तेज़पत्ता। गैस, इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल होती है इसके अंदर, तो इसलिए कम तेल डालिएगा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दालचीनी। ये है सब चीज़ें, इसमें आधा डालूंगी इलायची, लौंग और स्टार फूल, ज़ीरा, काली मिर्च। इसमें से आधा डालकर आधा रख दूंगी मैं इसको क्रश करके ऊपर से डालने के लिए। तो इसमें सभी चीज़ें डाल दी हैं मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 kg मटन है मेरा। अब मैं ये डाल रही हूँ, इसको ऑयल में थोड़ा 2-3 मिनट भुनाई कर लूँगी। इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये है, अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर, गार्लिक और ऑनियन का पेस्ट। और इसमें मैंने नमक भी डाला हुआ है। गाइस, ये ध्यान रखिएगा कि दाल में भी नमक डाला हुआ है और इसमें भी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब मैं इस अदरक को गोश्त के साथ 2-3 मिनट भून लूँगी, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब मैं इसमें 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ। ये कोरिएंडर पाउडर है, 2 स्पून कोरिएंडर पाउडर। अब गाइस, इसको अच्छे से आप भुनाई करें। और मैं डाल रही हूँ अब इसमें 3-4 हरी मिर्च। अब अच्छे से इसकी भुनाई करना है। गाइस, गोश्त मेरा भुन गया है, अच्छे से भुनाई हो गई है। देखिए, ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैं इसमें पानी डालकर 3-4 विसल्स लगा दूंगी, फिर इसके बाद मिक्स करूंगी दोनों को, दाल और गोश्त को। गाइस, गोश्त बनकर के रेडी है। अब मैं इसमें दाल मिक्स करूंगी। गोश्त हमारा टेंडर हो गया अच्छे से। अब मैं इसमें दाल मिक्स कर रही हूँ। गाइस, मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो ये बनकर के रेडी है। जैसे इसे बॉईल करना है मुझे, फिर इसमें जो मैंने मसाला क्रश किया है वो डालना है और केवड़ा डालना है।
और गरम मसाला भी डलेगा। गाइस अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने मसाले क्रश करके रखे हुए हैं वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें केवड़ा जल डाल रही हूँ। और इसे हरा धनिया और गरम मसाले से, अभी हरा धनिया और गरम मसाला भी डालना है मुझे, वो भी डालूँगी गाइस। इसे चपाती और राइस से खाएं, बहुत ही मज़े का है गाइस। देखिए बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी होता है ये, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बना कर देखिए कैसा लगता है आप लोगों को। गाइस अब ये बन करके रेडी है, सर्व करने को रेडी है ये। तो गाइस एक बार बनाएं, ज़रूर खाएं, ये मेरे गांव, मेरे डैडी के गांव की रेसिपी है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग बनाएं एक बार, ज़रूर देखें बना कर कैसा बनता है ये, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लव यू ऑल गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।